यीशु के बरकत, खूबसूरत और फतेहमंद नाम में आप सबको आज की सब्बत की इबादत में वेलकम और खुश आमदेद कहता हूँ। आज का जो हमारा मौजू है वो है वक्त को गनीमत जान। मेरे जी, तो आज की जदीद दुनिया में हर इंसान दुनिया की चीज़ों के पीछे भागता रहता है और उसकी ख्वाहिश है कि वो अपनी जिस्मानी ख्वाहिश को पूरा करें और फिर अच्छा घर उसके पास हो और वो अपनी जिस्मानी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए उस घर में अच्छी आराइश चाहता है। इसके लिए वो इस दुनियावी चीज़ों के पीछे भागते भागते अपने रिश्तेदारों से भी दूर हो जाता है और फिर खुदा से भी दूर हो जाता है। लेकिन मेरे जी, तो याद रखें कि जो वक्त खुदा ने उसे इस दुनिया में ज़िंदगी बसर करने के लिए दिया है उसको नहीं पहचानता, और वक्त की रफ्तार बहुत तेज़ है। वक्त की रफ्तार बहुत तेज़ है और ये रुकती नहीं है। रोमन की कलीसिया को क्रूसोशन का खाता है, उसका 13वां बाब और उसकी आयत मुबारक 11 जहाँ पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, और वक्त को पहचानता ऐसा ही करो इसलिए कि अब वो घड़ी आ पहुँची, अब वो घड़ी आ पहुँची कि हम नींद से जागे। किससे जागे? नींद से जागे, क्योंकि जिस वक्त हम ईमान लाए थे उस वक्त की निस्बत अब हमारी निजात नजदीक है। हमने जागना किस लिए है? क्योंकि हमारी निजात अब नजदीक है। वक्त एक ऐसा पैमाना है, अगर हर शख्स इसकी कदरों कीमत को जान जाए और पहचान जाए तो वो हमेशा की जिंदगी का वारिस हो सकता है। एक कहावत बड़ी मशहूर मरूफ है कि गया वक्त दोबारा वापस नहीं आता, मुंह से निकली हुई कोई भी बात वापस नहीं आती, बंदूक से निकली हुई गोली जो है वो कभी वापस नहीं आती। इसी तरह वक्त की रफ्तार इतनी तेज है कि जो वक्त गुजर जाता है वो फिर दोबारा वापस नहीं आता। इस कलीसिया को पौलुस रसूल खत लिखते हैं, उसका 5वां बाब और उसकी आयत मुबारक 16, और वक्त को गनीमत जानो क्योंकि दिन बुरे हैं। इस वक्त हम किस जमाने में वक्त गुजार रहे हैं? बुरे दिनों में। कौन से दिन हैं? ये बुरे दिन हैं। इसलिए हमें वक्त को गनीमत जानना है। यीशु मसीह जब अपनी हयात तैयबा में थे तो एक मरतबा यरूशलेम पर आंसू बहाए उन्होंने, और उसकी वजह सिर्फ ये थी कि यरूशलेम के लोगों ने वक्त को ना पहचाना। यरूशलेम के जो लोग थे उन्होंने वक्त की पहचान नहीं की। लूका तबीब की मार्फत इंजील मुकद्दस 19वां बाब और उसकी 41वां आयत से 46वीं आयत तक, लूका तबीब की इंजील और उसका 19वां बाब 41 आयत से 44वीं आयत तक, जब नज़दीक आकर शहर को देखा तो उस पर रोया और कहा, काश कि तू अपने इसी दिन में सलामती की बातें जानता, मगर अब वो तेरी आंखों से छुप गई है। सलामती तेरी आंखों से छुप गई है, क्योंकि वो दिन तुझ पर आएंगे कि तेरे दुश्मन तेरे गिर्द मोर्चा बांध कर तुझे घेर लेंगे। तेरे दुश्मन तेरे गिर्द मोर्चा बांध कर तुझे घेर लेंगे और हर तरफ से तंग करेंगे। हर तरफ से क्या करेंगे? तंग करेंगे, और तुझको और तेरे बच्चों को जो तुझ में हैं जमीन पर दे पटकेंगे, और तुझ में किसी पत्थर पर पत्थर बाकी ना छोड़ेंगे, इसलिए कि तूने वक्त को ना पहचाना जब तुझ पर नगाह की गई। आज हमें वक्त को पहचानने की जरूरत है। अगर आपने यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दीदा कबूल नहीं किया तो आज ही निजात का दिन है, आज ही तौबा का दिन है। अपनी पुरानी इंसानियत को उसके कामों समेत उतार दें, नई इंसानियत को पाया दें, अपनी जिंदगी का एक यू टर्न लें जिसको तौबा कहा जाता है, और यीशु मसीह के गुब्बारे पर ईमान लाते हुए यीशु मसीह की आमद के लिए अपने आप को तैयार करें और वक्त को गनीमत जानें। इसलिए ये दिन बुरे, खुदा आप सबको यीशु मसीह को कबूल करने के और इन बुरे दिनों में खुदा के करीब आने की तौफीक दे। गॉड ब्लेस यू।